नमस्कार, 10 बजे की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयूधी शशि। सबसे पहले आपके सामने मैं 5 सवाल रख रही हूं। इन सवालों को ध्यान से सुनिएगा, आप खुद ब खुद समझ भी जाएंगे कि इन सवालों के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि घुसपैठियों पर मोदी का संकल्प मतदाता का प्रहार है क्या? दूसरा सवाल सुनिए, 2019 में असम और बंगाल में राष्ट्रीयता का टेस्ट होगा, ये भी सवाल है। तीसरा सवाल ये, अवैध बांग्लादेशी बचा रहे हैं ममता, कांग्रेस का अवैध वोट बैंक, क्या ऐसा हो रहा है? चौथा सवाल, वोट की ताकत से टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या आखिरी हिसाब होना बाकी रह गया है? और पांचवा सवाल ये, देश बांटने वालों को देश निकालने पर सियासत पर आखिर क्यों एतराज है? क्यों ऐसा हो रहा है कि इस पर भी सियासत हो रही है? ये 5 बड़े सवाल हैं जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं। ये अहम सवाल हमने इसलिए उठाए क्योंकि 2019 के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से वादा किया है कि वो स्थानीय लोगों की पहचान सुरक्षित रखेंगे। पीएम मोदी ने आरोप ये लगाया कि असम में घुसपैठ का कांग्रेस ने फायदा उठाया है। और चलिए, मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं फटाफट करवा देती हूँ। नेहा जोशी हैं, बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। अब्दुल रजाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सायरा शाह हालिम ऑथर हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और दिनेश वार्सने सीपीआई से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी। मुझे आपसे ये जानना है कि असम में प्रधानमंत्री थे तो उन्हें इस बात की याद आई कि हमें घुसपैठियों को वापस भेजना है, अमित शाह ने भी ये कह दिया, तो क्या अब और सारे मुद्दे रह गए हैं पीछे और एक ये मुद्दा आ गया है जिस पर राजनीति होनी बाकी थी? पयोधी, इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। और मैं याद दिला दूं, फखरुद्दीन अली अहमद कांग्रेस के एक नेता थे, एक बार उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है कि वोट गैदर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में ये इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाते आ रहे हैं। आप सोचिए, ये 50 साल पहले की बात है और यही स्ट्रैटेजी इन्होंने लगातार अपनाई है, तो कहीं पर तो आपको इसको रोक लगाने लगेगी। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुझे लगता है अमित शाह जी ने जो बात कही कि एक तरीके से ये टर्माइट्स की तरह काम कर रहे हैं हमारे कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर। अगर हम इनको हक देंगे, इनको पालते रहेंगे, तो अपने देश के सिटीजन का ख्याल कैसे करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पर हमेशा से क्लियर रहा है। चाहे आप अगस्त में बात करें, जब ममता बनर्जी खून खराबे करने की बात कर रही थी, कह रही थी सड़कों पर लाशें बिक जाएंगी और खून की नदियां बह जाएंगी, हमने तब भी कहा था कि जिस तरीके से असम में सिटीजन एनआरसी इंप्लीमेंट हुआ, अगर बंगाल में हुआ तो 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स निकलेंगे वहां से, और इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, क्योंकि असम में जब आपने जारी किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जो 40 लाख लोग रह गए हैं ना, उसको लेकर आकलन जो करना है उसके लिए आपके पास क्या ग्राउंड है? तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, पूरा रोडमैप आप कैसे तैयार करेंगे? बिल्कुल पयोधी, ये मामला कोर्ट और सरकार के बीच में है और इसके ऊपर काम चल रहा है कि कोई भी जो हमारे देश का नागरिक है, जायज नागरिक है, उसको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। अपील्स का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको मैं भरोसा दिलाती हूं कि ये प्रोसेस ऐसा होगा कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जो लीगल है, उसको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन कोई भी इलीगल इमिग्रेंट इस देश में नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। दिनेश वार्सने, आपसे इस पर रिएक्शन मुझे चाहिए, आप क्या इसका समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए परिधि, इसमें 3 बातें हैं। ये बीजेपी वाले अपनी बेईमानी को छुपा रहे हैं। एनआरसी पे पूरे राजनीतिक दलों का एक मत है कि एनआरसी लागू होनी चाहिए, और एनआरसी बनाई भी वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट ने थी। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी का स्टैंड है कि ये एनआरसी को 1951 की डेट से कट ऑफ डेट मानते हैं, जबकि जो सर्वमान्य एनआरसी है तमाम राजनीतिक दलों की, वो एनआरसी वैलिड होती है 1971 के युद्ध के बाद की कट ऑफ डेट से। ये फर्क है। दूसरा, ये सिटीजनशिप बिल भी इसलिए लाए थे कि इन्होंने चुनाव में हर मामले में महंगाई,
45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, नोटबंदी की असफलता, ये चीजें ना आए इसलिए इसको सांप्रदायिक रंग देखना चाहते हैं। कोई देश अपने यहाँ पे विदेशी नागरिक कैसे रहने देगा? पर उसके लिए एक प्रोसीजर होगा ना, एक प्रक्रिया होगी ना, प्रक्रिया में ये तय हुआ सामान्य नीति में, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी की सरकार भी थी, वो भी इस बात को मानी। पयोधी सुनिए ना प्लीज, बात कर रही है बीजेपी, नहीं नहीं पयोधी सुनिए प्लीज, ये नया झूठ बोल रही है, इनका आदत हो गई है झूठ बोलने की। इवन वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे वो भी इस बात को माने कि कट ऑफ डेट वही रहेगी एनआरसी की जो सर्वमान्य है। बीजेपी और आरएसएस अकेली पार्टी थी जो उस कट ऑफ डेट को नहीं मानती थी, और अभी भी पूरा देश संवारना है। दूसरी बात, इन्होंने जो सिटी, सर एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, मुस्लिम्स को आइसोलेट करके, दिनेश जी तो 2005 में जो मनमोहन सिंह ने फिर कहा था, 2005 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि 1971 से पहले जो अवैध तरीके से दाखिल हो गए हैं लोग उन्हें एनआरसी से जोड़ा जाएगा। कल रात को फिर नया, सर सुन लीजिए, फिर उन्हें एनआरसी से जोड़ा जाएगा, मनमोहन सिंह ने कही थी ये बात। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल पे जनता को लूटना, सर आप मुझे इस बात पर समझाइए ना सर, आपने जो कहा उसी बात पर काउंटर करके करेंगे तो क्या इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ रहने देंगे? ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? ठीक है दिनेश जी प्लीज इसको ना समझाइए सर। पार्टी इस देश में इलीगल इमिग्रेंट को कहने को नहीं कह रही, ना कांग्रेस कह रही, ना समाजवादी पार्टी कह रही, ना बीएसपी कह रही, ना सीपीआई कह रही, ना सीपीएम कह रही। दिनेश जी बीजेपी जो कह रही है, सायरा भी हमारे साथ दिया था कि खून खराबा हो जाएगा, और आपके राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी हाथ में हाथ डाल के खड़े थे उनके साथ। अलग प्रक्रिया, याद दिला दूं मैं आपको, अलग पॉलिसी है वो, अलग। ठीक है तो अभी मैं बोलूं, मैं आ रही हूँ सायरा आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूँ। नेहा आप लोग ओवरलैप मत कीजिए क्योंकि आप लोग की जो आवाज है वो कुछ सेकंड से डिले है, तो फिर ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे और पूरा डिस्कशन फिर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है सायरा आपके व्यूज, फिर मैं अपना काउंटर लूंगा। सबसे बड़ी बेरोजगारी, सर सुन लीजिए, देखिए ये बहुत एक बहुत चालाकी से भाजपा सरकार ने ये नीति पूरे हिंदुस्तान में लागू करने का जो आइडिया है अभी बहुत साफ तरीके से प्रकर्षित किया है। अभी अमित शाह ने जो घोषणा की है कि वो बुद्धा, बुद्धा का क्या मतलब होता है? उनका मतलब है जो बौद्ध, बुद्ध धर्म के लोग होते हैं, हिंदू बुद्ध धर्म और सिख इन्फिल्ट्रेटर्स को हम लोग रखेंगे, बाकी सबको हम निकाल पड़ेंगे। तो बताइए ये बहुत ही जहरीला और एक कम्यूनल एक घोषणा है, देश के नागरिकों को डराने का, धमकाने का और दंगे करवाने का। क्योंकि आप देख लीजिए ये यहाँ पे हर एक नागरिक की समस्त अधिकार, मतदान और यहाँ पे बराबरी के जो हकदार है उन पे एक बड़ा सवाल उठता है, और पूरा सोशल सर बराबरी की तो बात को यहाँ पर कर ही नहीं रहा है, हो गया है इसको हमें समझना होगा। गोवलकर के जो मैं आपकी बात सुन रही थी, है सर बराबरी की तो बात ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी है वो घुसपैठिए जिनसे हमें खतरा हो सकता है, क्या हमें उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए? भारत को हिंदू, सिंपल बात है, बहुत का एक प्रयास बने, लेकिन हमारा हमारा जो संविधान है वो मानवता में विश्वास करता है, वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर आप लोग इसको, सारा आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है तो मैं आपसे काउंटर कर सवाल पूछ रही हूँ, आप अपनी बात मत कहिए, मेरा काउंटर भी सुनिए, तभी आप इस पर और जवाब दे पाएंगे। बनाने की कोशिश करेगा, अगर संविधान को कहीं भी संविधान का खिलवाड़ करेगा, यहाँ पे बवाल ही नहीं, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखेगा कि ऐसा हरगिज ना हो, ठीक है, और हम लोग भारतवासी खून खराबा नेहा एकदम मंशा पर सवाल कोई नहीं उठा रहा, हर कोई ये कहता है कि हम चाहते हैं कि घुसपैठियों को वापस भेजा जाए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं बार बार, ऐसा क्यों है? आप बताइए आपके कागजात ठीक हैं क्या? कौन घुसपैठिया है? ठीक है सायरा आपको मैंने पूरा समय दिया, आप आगे भी बढ़ाइए चर्चा को, सुनना सीखिए। कोई ना कोई चुनाव है, ठीक है, देश में हर दो महीने में कोई ना कोई चुनाव हो रहे हैं, तो क्या देश में कोई काम आगे ही नहीं बढ़ेगा? मुझे लगता है ये ऑपोजिशन पार्टीज की आदत बन गई है हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखने की। अगस्त में जब ये बात उठी थी तो हो रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, अभी बात हो रही है तो जनरल इलेक्शन है। देखिए हम देश का जो नॉर्मल काम है, जो विकास का काम चल रहा है, जो आगे देश बढ़ रहा है, उसको चुनाव को देख के रोक नहीं लगा सकते। आप हर चीज को अगर चुनाव की दृष्टि से देख लेंगे तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, सारी एजेंसीज, सारे डिपार्टमेंट्स हाथ पर हाथ
दरे बैठे रहेंगे पूरे साल और काम ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप इसको चुनाव से जोड़ के ना देखें। सच्चाई ये है कि असम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन आज 40% पे है। क्या वहाँ की नेचुरल डेमोग्राफी को यह डिपिक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है और ये सोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही निकाल सकती है। अमित शाह जी ने क्लियरली बोला ठीक है। दानिश जी सवाल सुन लीजिए। मैडम उस बेरोजगारी का भी एक बड़ा कारण ये है कि हमारे देश पर इन इलीगल इमिग्रेंट्स का दबाव है और इनको निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है ना, तो उसमें मैं बार बार आपसे वही कह रही हूँ कि मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। इस चीज को लेकर अगर इसकी सराहना सोचिए कि असम में अल्फा और आसू ने कर दी, दोनों ऐसे संगठन जो पूरी तरह से वामपंथी हैं, तो फिर ये तो देखना होगा ना किस दिशा में काम जा रहा है आगे। दिनेश जी आपसे मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल था, मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं? इसके पीछे ये शब्द इस्तेमाल करने का मेरा कारण ही ये था कि जब असम में ऐसे संगठन इसका समर्थन कर सकते हैं, तो आप लोगों की इस पर क्या लाइन है, आप लोगों की इस पर क्या सोच है? कोई समर्थन नहीं कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। देखिए पयोधी, प्लीज समझिए एक बात को, पयोधी मैं फिर बात को आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज चेक करिए इस बात को। पयोधी आप प्लीज इस बात को चेक कीजिए कि एनआरसी पे बीजेपी को छोड़ के सारे के सारा राजनीतिक दल हिंदुस्तान का एक मत है कट ऑफ डेट 1971 के बाद की। ये 1951 चाहते हैं उससे सांप्रदायिक ना, इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? तो सर फिर तो ये राजनीति ही हो गई ना, फिर तो इस पर भी सियासत हो रही है ना सर? फोर्स में उसका नाम है, उसकी पत्नी का नाम नहीं है सर, फिर तो सियासत हो रही है ना इस पर? उसकी बहन का नाम नहीं है, एक आदमी मिलिट्री में सर्विस कर रहा है 28 साल, उसका अपना नाम नहीं है, उसकी पत्नी का नाम है, ये कैसे हो सकता है सर? उसी को तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा है, एक अपीलेश का सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा है, सिस्टम बनाया गया क्लेरिफाई करने के लिए अभी किस तरह की स्ट्रेटेजी सरकार के पास है, इसलिए तो कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। आप मुझे अपना स्टैंड बताइए ना, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आगमन पाकिस्तान से भी अन्य देशों से जोधपुर में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, यूपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, इवन इनके गुजरात में भी हुआ है। मोदी जी के चीफ मिनिस्टरशिप में रहते हुए इनके गुजरात में भी नया असम के बाद प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने साफ कर दिया कि बंगाल में भी ऐसा होगा। ममता तो उसके फेवर में है ही नहीं, वो और इतनी चुनौतियां आपके लिए पैदा कर रही है, कैसे करेंगे आप लोग वादा पूरा? ये देश की सांप्रदायिक एकता अखंडता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ममता बनर्जी के फेवर में है या राहुल। दिनेश जी सुनिए सर, आपकी आवाज सिर्फ लगातार जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और हम अपने स्टैंड से कभी भी पीछे नहीं हटे। आप देखिए कितना भी विरोध हुआ, कितना भी धमकियां दी गई, देश में आग लगाने की धमकियां ममता बनर्जी ने दे दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी। एक डिसाइसिव गवर्नेंस के साथ मोदी जी ने सरकार चलाई है और 23 मई के बाद हमें जब दोबारा मैंडेट मिलेगा तो अमित शाह जी और मोदी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। ममता जी विरोध करें, अखिलेश जी विरोध करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारा आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले इस बात पर मसले पर सबको बैठकर सोचना चाहिए? अगर सब जनता के हित की बात कर रहे हैं तो इस पर बैठकर तो बात करेंगे ना आप, क्या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अगर विरोध करना है तो सब एकजुट हो जाएंगे? देखिए चुनाव का तो आपको पता है कोई विरोध नहीं कर रहा, पीयूष ये गलत कर रहे हैं। सर मैं आ रही हूँ आपके पास सर, उनको जवाब दे दीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, इनकी कट ऑफ डेट शुरू से पूरे देश में नहीं मानी। तो ये पूरे समाज को पोलराइज करने की एक प्रयत्न है कि समाज जो है इलेक्शन से पहले पोलराइज हो जाए, और क्योंकि अभी तो भाजपा सरकार को पुलवामा के बगैर कुछ और तो कोई विषय है ही नहीं इलेक्शन लड़ने का। मायावती मुस्लिमों के वोट मांगती हैं, इनको वो पोलराइजेशन नहीं लगता। इमरान मसूद प्रधानमंत्री को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कहते हैं, इनको ये पोलराइजेशन नहीं लगता। तो ये जो पार्शियल ब्लाइंडनेस से आप सफर कर रही है ना मैडम, ये ठीक नहीं है। पोलराइजेशन, मायावती के बयान के ऊपर आपका क्या ख्याल है? आप देख लीजिए 199 मुल्क अगर इस तरह का जवाब दीजिए ना, मायावती एक सीधा सीधा मुस्लिम कम्युनिटी के वोट मांग रही हैं बसपा और सपा के लिए, क्या बोलती है इसके बारे में? आपको पोलराइजेशन वहां नहीं दिख रहा है? अगर ये अगर 199 मुल्क पूरे जो मुझे लगता है सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई, सब सुनने की क्षमता ही नहीं है इन लोगों में, यही प्रॉब्लम है। और दुबई से निकालो और यहाँ से निकालो, सऊदी अरब से निकालो, तो बताइए कहाँ जाएंगे हमारे हिंदू भाई बहन?
ठीक है, पोलराइज करने सर, आपने शायद नेहा जोशी को नहीं सुना, अमित शाह को एक कड़ा जवाब मिलेगा इलेक्शन के बाद। ठीक है ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, क्योंकि दिनेश जी और आप शायद सोचकर आए कि सिर्फ अपनी बात रखेंगे, ना मेरा काउंटर सुनेंगे ना ही जो पैनल पर और बैठे उनका काउंटर सुनेंगे। दिनेश जी आप मुझे भी बता दीजिए कि क्या ऐसा है कि अब इस मुद्दे के बाद से जैसे ही प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने इस मुद्दे को एक बार फिर से दोहराया है, इस बात को फिर से दोहराया है, आप लोगों को अपनी जमीन खिसकने का डर लग गया है क्या? ये इस बात का डर हो गया? नहीं पयोदी, इनकी जमीन खिसक रही है उत्तर पूर्व में सिटीजनशिप बिल के बाद, इसलिए ये अब लाए हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में इनकी जमीन खिसक रही है, उत्तर पूर्व में 25 सीटें हैं, 25 में से इनको 3 भी नहीं आ रही। इन्होंने इनके अपना सर्वे कहता है कि ये बुरी तरह से पिट रहे हैं आसाम में, इसलिए ये कर रहे हैं। 69% जनता ने पहले भी इनकी सांप्रदायिक नीतियों को नहीं माना है 2014 में, और अब की 75% जनता दिखा देगी इनको कि ये झूठे हैं, ये जुमलेवाज हैं, नीतियों के बारे में आपका क्या बावला बना रहे हैं। कांग्रेस जब कहती है कि देश के रिसोर्स में पहले मुस्लिम्स का अधिकार है, उसके बारे में आपका, ये चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। नेहा पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो 25% मुसलमान है, लोग भारतीय सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला अगर राज्य कहा जाए पहले पायदान पर आता है, 25% आबादी है। तो क्या अब ये वोट बैंक को लेकर अमित शाह ने इस बात को जिस तरह से बयानबाजी में कर रखा, इसको कैसे जोड़कर देखें फिर आप स्पष्ट कर दीजिए? विदेश के देश भी अगर यही नीति अपना लें कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑनली भारतीय जनता पार्टी को डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक मिनट में आऊंगी आपके पास दिनेश जी, अगर आप सर बोलते जाएंगे मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब से चर्चा की शुरुआत की है ना सर, आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, कोई जरूरत नहीं है। भारतीयों में कितना भारी हमला हुआ था पता है ना सर? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज आप शांत हो जाइए, और भी पैनल पर लोग हैं उन्हें बोलने दीजिए, यही कारण है। ठीक है नेहा आप बोलिए। पयोदी मैं कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने की ना हमारी कोई ऐसी नीति रही है ना हमें करने की जरूरत है। आप देखिए कांग्रेस हमेशा से ही देश को डिवाइड करके चलती आई है, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, इन्होंने ब्राह्मण दलित किया, आज ये राहुल गांधी जी नॉर्थ साउथ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं साउथ को इग्नोर किया गया था इसलिए मैं वायनाड जा रहा हूं, सबको पता है वायनाड क्यों इनको जाना पड़ा है। तो देखिए डिवाइड एंड रूल की राजनीति कांग्रेस की रही है और इनके साथ जो आज हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं उनकी रही है। आप देखिए आपके जो दो साथी पैनलिस्ट है मेरे, उन्होंने मायावती जब इतना कम्युनली चार्ज स्टेटमेंट देती है कि मुस्लिम वोट महागठबंधन को जाना चाहिए, उसके बारे में इनके मुंह से चू भी नहीं निकली, इनकी हिपोक्रेसी यहां पर एक्सपोज होती है। एक ही राग अलाप रहे हैं, ये बात का ध्यान में रखनी चाहिए इलीगल इमिग्रेंसी का है जो दबाव बना रहे हैं, अगर दूसरा वही कर रहा है तो हम भी उस तरह की बयानबाजी करेंगे, फिर एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो खुद भी तो बचना चाहिए ना, ये तो मानेंगे ना अपने। जब योगी वहां पे जाके कहता है चुनाव, दिनेश जी आपसे मेरा सवाल नहीं था सर, मैं आपसे सवाल पूछती रही हूँ, सबके जवाब तो आप ही दे रहे हैं। इनके पास मैं तो यही तो कह रही हूँ कि आपको पार्शियल ब्लाइंडनेस क्यों है, मायावती नहीं दिखती आपको, योगी और मोदी जी अगर चूं भी करें तो आपको दिखता है? नहीं नेहा, लेकिन आप क्योंकि बीजेपी से बैठी है तो मैं तो आपके स्टेटमेंट की बात आपसे करूंगी ना, आपके स्टेटमेंट को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी, उसका जवाब आपको मुझे देना होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे, फौरन लौटेंगे, आप सभी लोग बने रहेंगे।